आरा के टाउन थाना क्षेत्र के अस्पताल रोड स्थित सदर अस्पताल के गेट पर सरेआम हुई माले नेता गोपाल प्रसाद के पुत्र सह एम्बुलेंस संचालक विजय कुमार की हत्या के बाद माले समर्थकों का आक्रोश भड़क उठा, जिसके बाद आक्रोशित माले समर्थक और मोहल्ले वासियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर शिवगंज स्थित दुर्गा मंदिर मोड़ के पास शव रख सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम होने के कारण सड़क के तीनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। शिवगंज मोड़ जाम होने के कारण सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर एएसपी सह सदर एसडीपीओ हिमांशु, नवादा थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने में जुट गई है। क्या मांगे आपके, आज सड़क जाम किया है, कल नेता की हत्या हुई? मांग तो यह है कि हमारे पार्टी के गरीबों के जो नेता हैं गरीब गोपाल प्रसाद जी, उनके बेटे की हत्या कर दी है। और कहीं से भी अपराधी पृष्ठभूमि के नहीं थे, यहाँ दुकान चलाते थे, चाय का दुकान था, एम्बुलेंस चलाते थे। आज जो सदर अस्पताल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सदर अस्पताल के मेन गेट पर हत्या हो गई, जो शहर का मेन इलाका है, उस इलाका इतनी हिम्मत अपराधियों को मिली कहाँ से? और सारे के सारे अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी और जदयू का संरक्षण प्राप्त है। पूरे बिहार में जो भी अपराध हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जदयू के तमाम संरक्षित अपराधी अपराध कर रहे हैं। और इसलिए हमारी मांग है कि अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उनको एक माह के अंदर में स्पीडी ट्रायल चला करके उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए और मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। और यहाँ जो अस्पताल के गेट पर चाय दुकान चलाते थे, उस चाय दुकान को निगम के माध्यम से बनवा करके इनको परिजनों को आमंत्रित किया जाए, किसी परिवार के एक सदस्य को एक नौकरी दी जाए। अधिकारियों से बात हुई, डीएम से बात हुई? अब कल हम शाम में नहीं थे, लेकिन हमें पता चला कि कल शाम एसपी साहब यहाँ आए थे। एसपी साहब ने कहा था कि हम अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे, मुआवजा के उन्होंने कहा था कि सुबह 7 बजे तक हम भिजवा देंगे मुआवजा, लेकिन मुआवजा जब 7 बजे तक नहीं मिला तो अंत में साथियों को सड़क जाम करना पड़ा। बताने की शरेआम अपराधियों ने माले नेता के बेटे को गोलियों से भून दिया था, करीब 7 गोली मारी गई थी। इस घटना के बाद आक्रोशित लोग मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आरा से राकेश की रिपोर्ट।